Oh, hello guys, good evening everyone. Those who don't know me, myself Dr. Saurabh Sharma, intern doctor, MBBS intern doctor from CNI. चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं गाइज। आई होप सो आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी गाइज। यहाँ पे आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि एम आई लाइव और नॉट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एम करते हैं। आई होप सो गाइज सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। वेलकम है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा गाइज। यहाँ पे रैपिड करते हैं। चलिए आइए, गुड इवनिंग एवरीवन। सो तैयार हो जाइए। यस, चलिए आइए शुरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट वेराइटीज ऑफ राइस आर प्रेजेंटेड। नंबर 1 हम यहाँ लिखते हैं। ओके, ये सबको पता है, राइस के बारे में बोला है, सिर्फ बासमती के बारे में नहीं बोला है। राइस के लिए यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए गाइज? चलिए आइए जल्दी से बता दीजिएगा गाइज, यहाँ पे क्या लगता है आपको, आंसर क्या होना चाहिए? राइस के लिए गाइज क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख लगा दें क्या? Yes, लगा देते हैं, टैग लगा दे रहे हैं। जल्दी से आप भी लगा दीजिए आंसर। कहाँ लगा सकते हो आप? कमेंट सेक्शन में लगा सकते हो। यस, आपने बहुत बढ़िया आंसर किया गाइस यहाँ पे। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 1 का डी हो गया यहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये नंबरिंग नहीं देखेंगे हम। मेक द होस्टल कॉम्पिटेंट, दे आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डैश। ओके, तो जल्दी से बताइएगा उस सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के, कि वो कोई भी, मैं फॉरेन अब मैं प्रोडक्ट दूँ तो वो एक्सेप्ट कर ले, मेरे को क्या चीज़ से ट्रीट करना पड़ेगा? डाइवेलेंट कैटायन से। सीआरटी में लिखा होगा, आपको याद आ रहा है, डाइवेलेंट कैटायन से, राइट? सो क्या होना चाहिए गाइज इसका आंसर? जल्दी से लगा दीजिए। लेट्स सी गाइज, यहाँ पे देख कौन इसका आंसर सही किया है। आई लेट्स सी। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन हो जाएगा क्या? कैल्शियम आयन हो जाना चाहिए। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 आता हुआ, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना इज एस्टिमेटेड टू बी डैश। प्रोडक्टिविटी कम है, परसेंटेज में ज्यादा है, बट प्रोडक्टिविटी कम है, राइट? तो चलिए आइए जल्दी से लगा देना गाइज यहाँ पे। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी से लगा दीजिए। लेट्स सी, यहाँ पे 3 का आंसर आ जाएगा। 70% प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? बेसिकली पॉपुलेशन है। प्रोडक्टिविटी 25 होगी क्या? जल्दी से बता दीजिएगा। यस, ऑब्वियसली, तो लगा दीजिएगा। ओके, बिना वेट की जल्दी से लगा दीजिए। लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन इसका आंसर बढ़िया लगा रहे हैं। ओके, वेलकम एवरीवन। चलिए जल्दी से लगा दीजिए, आ गया इसका आंसर। चलिए ना, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन आ चुके। हाँ, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है। मेथड या फिर टेक्निक यूटिलाइजिंग एक्स रे टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए डैश। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है। आइए देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है बेटर तरीके। जल्दी से कर दो तो गाइज, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइज इसका आंसर? आइए देखते हैं, जल्दी से कर दो, फास्टर फास्टर। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन इसका आंसर कर पाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पे बहुत कम बच्चों ने सही आंसर मार्क किया। इसका आंसर सीटी हो जाएगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को सीटी स्कैन के बारे में सुना है? हाँ जी भैया, सीटी स्कैन के बारे में तो सुना है हमने। तो यस, इसका आंसर सीटी ही आना चाहिए था। सीटी में एक्सरे यूज किया जाता है, एमआरआई में एक्सरे यूज नहीं किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, केव पेंटिंग इन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। ओके, कैन बी सीन बाई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन डैश। क्या लगता है गाइस क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से लगा दीजिए इसका आंसर। व्हाट यू फील इज द आंसर ऑफ चॉइस, और क्या ये मध्य प्रदेश होगा? यस, आपने तो पढ़ा है मध्य प्रदेश यहाँ पे। चलिए फिर लगा दीजिए, इंतजार किस बात का है, आइए देखते हैं। लेट्स सी, ठीक है, जल्दी से लगा दे जाए, आंसर आ जाएगा। लगा दीजिए जल्दी, इंतजार किस बात का है। ओके, आई होप सो लगा दिया वो आपने इसका आंसर, राइट? ओके, चलिए ना, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते चलें फिर। नेक्स्ट सवाल, हाँ जी क्या, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर, इसका मध्य प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, इम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज बाई अर्नस्ट हेकेल वाज डिसप्रूव्ड बाय। इम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट को डिसप्रूव किसने किया? आपको यही बताना है कि डिसप्रूव किसने किया भाई इम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट। चलिए जल्दी से लगा दीजिए यहाँ पे। इम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट डिस्प्रूव किया वॉन बेयर ने। ये नीट का पीवाईक्यू है, याद रख लीजिएगा। देखो, तो इम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट पे थ्योरी किसने दी? अर्नस्ट हेकेल ने दी, ठीक है। डिस्प्रूव किसने किया? वॉन बेयर ने किया, राइट? क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैथ। सो गाइस यहाँ पे क्या गलत है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेवन ऑसम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है। चलिए जल्दी से कर दीजिए गाइस, इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेट्स सी, जल्दी से लगा दीजिए इसका आंसर गाइस। यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर फास्ट। ओके लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कौन इसका लगा दिया आंसर। लग गया, आई होप सो लग गया होगा यहाँ पे गाइस आप सभी का आंसर। आइए फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म करें भाई किसने सही लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, कोइटस इंटरप्टस में लिखा है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन, ये तो गलत है। कॉन्सेप्शन का मीनिंग हो जाता है टू गेट प्रेग्नेंट, है ना। तो हमको क्या करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना था, तो कॉन्ट्रासेप्शन टर्म आना चाहिए था ना यहाँ पे। नेचुरल मेथड ऑफ क्या होना चाहिए था, ये कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए था, राइट। नेचुरल मेथड ऑफ क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए था, सिंपल भाषा में नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन था ये तो, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ें क्या। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ये वाला आई होप मार्क कर दिया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आइए चलिए नाउ डन हो गया ये, तो आंसर सेवन का ए। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर एट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, इंपॉर्टेंट सवाल है पूछा जाता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, मैटर्नल पिट्यूटरी से निकलेगा ना, रिलीज होगा मैटर्नल पिट्यूटरी से। तो क्या होना चाहिए गाइस इसका आंसर, जल्दी से लगा दी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटर्नल पिट्यूटरी, राइट। ओके सो इट का सी। क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं, सेल मूवमेंट्स यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम या स्टार्ट्स यूजुअली फ्रॉम, कौन से मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी से फीटस का मूवमेंट शुरू हो जाता है। चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा, फीटल मूवमेंट कब से शुरू हो जाता है, फ्रॉम विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या लगता है गाइस क्या होना चाहिए आंसर। ओके लेट्स सी, यस जल्दी से लगा देना, क्या लगता है भाई साहब क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रॉम फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। एकदम सिंपल सवाल था, चलिए ना नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर टेंथ आता हुआ, अगेन एनसीईआरटी के सारे लाइन का सवाल है, हाउ मेनी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक ओवरी में, ऑब्वियसली दो ओवरीज हैं तो एक ओवरी में कितने फॉलिकल प्रेजेंट होंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्या लगता है गाइस क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बता देना। लेट्स सी, यस वेरी गुड, 60,000 टू 80,000 बहुत सारे लोग बता रहे हैं यहाँ पे। आइए तो नेक्स्ट सवाल करें, तो यस 60,000 to 80,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्या है 11वां सवाल, सेल डिविजन इज इन इटसेल्फ कंसीडर्ड ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेल डिविजन ही इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो किस में पॉसिबल है, सेल डिविजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या लगता है आपको गाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा, वॉट यू इज द आंसर ऑफ चॉइस ओवर हेयर गाइज। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कौन इसका आंसर बेटर तरीके से कर पा रहा है। आइए जल्दी से, यस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका आंसर ऑफ, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 के बाद 12th, 12वां नंबर सवाल आ रहा है यहाँ पे, क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन हॉर्मोन ठीक है बाइंड्स विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मतलब आपसे पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, किसका होगा भाई सेल मेम्ब्रेन, यही बताना है। यस पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस जो हार्मोन होते हैं उनका रिसेप्टर कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन पे होता है सौर, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, FSH हो जाएगा क्या, यस क्यों, क्योंकि ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, आपने पढ़ा है प्रोटीनेशियस, राइट पढ़ा है ना प्रोटीनेशियस वाला। ओके चलिए गाइस नाउ नेक्स्ट सवाल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपकी स्क्रीन के सामने, आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या सवाल है, डिफरेंट टाइप ऑफ poses their own characteristic photopigment, कौन से पढ़े, रेड ग्रीन क्या पढ़ा, RGB पढ़ा था या GRB, राइट है ना, याद आ रहा है, हांजी या रेड ग्रीन के बारे में पढ़ा था हमने। अब अगर तीनों ही सिमुलेशन का इक्वल हुआ, अपन इक्वल सिमुलेशन ऑफ द कौन सा लाइट का सेंसेशन, वाइट लाइट होना चाहिए क्या, जल्दी बता दीजिए। ओके चलिए वाइट लाइट होना चाहिए, यस वेरी गुड, ठीक है मैं PDF ट्राई करूंगा सेंड करने का आपको टेलीग्राम पे, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, नीचे लिंक है, और वैसे आप इंस्टाग्राम से भी
आइए देखते, चलिए ना एक सवाल करें। आंसर सेंसेशन व्हाइट लाइट होना चाहिए। ओके, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा कोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोन्स का काम क्या होता है, एक होता है कलर विजन, ओके, और एक होता है रेजोल्यूशन, सबसे बढ़िया करना है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन फोविया सेंट्रलिस पे प्रेजेंट होते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर करते हैं, आइए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, साइज ऑफ विच बैंड रिमेन। आपको एक डायग्राम याद है कुछ प्रकार का, आई होप सो आपको याद आ रहा होगा, है ना। मैं जस्ट एकदम रफ डायग्राम बना जिससे कि आपको समझ आए, समझ इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी के लिए बस मैं रफ वाला बोल रहा था यहाँ। अब ये जो एरिया था ना, अगर बता बेसिकली क्या हो जा रहा है यहाँ, ये जो एरिया था ये बैंड वाला पूरा था, लाइट और दोनों, बेसिकली लाइट और डार्क दोनों आ रहे हैं, दर इज ए, ये बैंड रिमेन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहे, क्यों, क्योंकि तो लाइट वगैरह जो बैंड है ना वो तो अंदर ऐसे स्लाइड होके अंदर चल जाएगा, फिर भी ए बैंड का तो लेंथ रहेगा। आइए, विच कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द वेन प्रीडोमिनेंटली थिनर देन द आर्टरी, मतलब वेन में वो वाला लेयर पतला होता है, राइट। आपसे यही बोला है ना कि वेन में वो वाला लेयर पतला होता है, तो जल्दी से बता दो कौन सा वाले के बारे में बोला जा रहा है। तो मीडिया मस्कुलर वाला है ना वाला, यस, वेरी गुड, स्मूथ मसल होते हैं, याद रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब इसी के बारे में एक बार जल्दी से देख लो यहाँ का। ओके, याद आ रहा है, जस्ट एकदम रफ क्यू आर एस वाला याद आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गिवन टाइम पीरियड में जितना होता है हम उतना हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है, हार्ट बीट का रेट। अगर तुम 1 मिनट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स काउंट, हार्ट रेट, सिंपल सी बात है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। ओके, चलिए आइए सवाल, चलिए ना एक सवाल आ रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या सवाल है। साइन विच कैटलाइजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिलोंग्स टू विच क्लब। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं पानी की मदद, हाइड्रोलाइसिस, है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिस बोलेंगे उनको। याद रखिएगा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम है वो भी बहुत सारे, क्या है वो सब, हाइड्रोलेज है, क्या है वो, हाइड्रोलेज है, याद रहेगा ये लाइन, हाइड्रोलेज है। ओके, आइए ना नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके, सेलेक्ट द न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जल्दी से कर लीजिए कौन सा है। ये जो ऊपर के तीन है ये अरोमेटिक अमाइनो एसिड में है, याद आ रहा है, ये तो अरोमेटिक एसिड्स है। ओके, तो बच गया ये, दिस फेलो इज द आंसर ऑफ वाइस वैलिन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 आता हुआ, सेलेक्ट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज एन अल्कलॉइड ऑल्सो। अगेन एनसीईआरटी से छापा हुआ, जल्दी से लगा दो, क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स सी क्या होना चाहिए यहाँ पे। सेलेक्ट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज, क्या होना चाहिए, मॉर्फिन हो जाएगा, यस, वेरी, कोडीन के बारे में पढ़ा था आपने। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। अब आप कॉकरोच पेयर ऑफ विंग था, फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट पूछा है ना, सुनने में कौन मदद करते हैं, कौन से, मेटाथोरेक्स वाले मदद करते हैं, राइट, मेटाथोरेक्स वाले, राइट, है ना। ओके, चलिए कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 22 आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 क्या सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कीज। की के गाइस क्या करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है, के बारे में, चाबी के बारे में बताना है। आइए देखते हैं, चाबी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन बता सकता है, एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, चैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, तो ये गलत है। स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड एज लीड, और दोनों को साथ में लेके हम कपलेट बोलते हैं, सेम टैक्सोनॉमिक से काम नहीं चलेगा, डिफरेंट चाहिएगा टैक्सोनॉमिक की, राइट। समझ आया ये सवाल, आई होप आपको मजा आया होगा ये सवाल देख के, है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, आइए। अगर ए कमर्शियल प्रोडक्ट यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब एंड इन आइसक्रीम एंड जेलीज, तो रेड एल्गी इंपॉर्टेंट है ना इसके,
रेड एल्गी चाहिएगा, राइट है। तो रेड एल्गी का एग्जांपल क्या हो जाता है, तो याद है, आई नो दैट रेड एल्गी के लिए आरपीजी पढ़ा था, आरपी स्क्वायर जी स्क्वायर पढ़ा था, तो जेलिडियम एंड ग्रेसिल एरिया हो जाएगा, एकदम आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था हुआ। ओके, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या गाइस? ओके, आप मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट समझ आ रहा है वॉइस की प्रॉब्लम। ओके, आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? ओके, हेलो हेलो हेलो, अभी भी है क्या? अभी भी है क्या वॉइस की है क्या? ओके, एक बार देख लेते हम लोग यहाँ पे अगर कुछ कर पाए तो। लेट्स सी यहाँ पे है। एनीवेज चलिए आइए एक बार फिर भी देखते हैं। हेलो, अभी सही है वॉइस? अभी अगर सही है तो मुझे बता देना। ओके, एनीवेज चलिए अभी ठीक हो गया क्या? आवाज़ अटक रही है, लैग का थोड़ा इशू हो रहा है शायद मेरे इंटरनेट का। ओके, ये इंटरनेट का आई गेस थोड़ा सा मेरा यहाँ पे आज लैग कर रहा है, कर्सर भी बहुत ज़्यादा। अब लो है या अभी ठीक है? ओके, अभी और ख़राब हो गया क्या? एक सेकेंड हम लोग देखते हैं। ओके, हेलो हेलो, अभी सही है? अभी सही है क्या गाइज? आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना। ओके, अभी सही हो गया? सही हुआ है? नहीं, आप मुझे एक बार जल्दी से बता देना। ओके, अब सही हो गया आई गेस, आवाज़ सही हो गई होगी। पहले से बेटर हुआ क्या? ठीक है चलिए, अगर बेटर हो गया देन दैट्स फाइन। ओके चलिए, क्वेश्चन आ रहा है गाइज आपके स्क्रीन के सामने। सो 24th, हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल? आज रात कोई 11 बजे करें क्या सेशन? आप लोग बता दो, आप लोग 11 बजे के लिए ठीक हो गया? हाँ, या 11:30 करते हैं, 11:30 ज़्यादा लेट होने से दिक्कत हो जाता है ना। ओके, 11:30 कर लेते हैं, वो सही रहेगा, 11:30 PM पे। ओके, वो आई गेस बेटर रहेगा, 11:30। ओके चलिए आइए देखते हैं। नाउ सवाल क्या है भाई साहब, यहाँ पे ये पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, लिवनहॉक इज द आंसर ऑफ चॉइस। याद रख लीजिएगा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? क्या ये ब्राउन ब्राउन मुंडे हैं क्या ये? जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? ओके चलिए आइए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है, 25th नंबर सवाल। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन इज अटैच टू विच पार्ट ऑफ द फ्लावर? क्या लगता है गाइज आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रॉक्सिमल पार्ट, देखो फिलामेंट का एक डिस्टल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल। डिस्टल वाला एंथर से अटैच है, एंथर से डिस्टल वाला अटैच है, प्रॉक्सिमल वाला या तो थैलमस या पीटल, एनसीईआरटी में लिखा गया है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 26। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रिजल्ट्स इन? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से क्या दिक्कत होने वाली है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होगा, सारे जीन क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, बेसिकली होमोजाइगोसिटी इंक्रीज, सारे मतलब सारे एक जैसे एक साथ हो जा रहे हैं, है ना? सो क्या हो जाएगी भाई साहब इसमें, इसमें तो दिक्कत आ जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, रिसेसिव एक साथ आ जाएंगे, है ना, पढ़ा है ना, हार्मफुल वाले जीन। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस एट द प्लेस ऑफ यूरासिल ऑफ आरएनए कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए? चलिए जल्दी से बता देना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है ये बताना है। तो आप बताओ, यूरासिल के बदले डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, थाइमिन इज एक्चुअली 5-मिथाइल यूरासिल, पढ़ा है ना तुमने, 5-मिथाइल यूरासिल ही तो है ये। ओके सो ये वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 था हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 28 था गया गाइस, यहाँ पे ये वाला आपको बताना है। आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर एससीपी, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एससीपी गाइस? यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे एससीपी के लिए क्या गलत है? चलो जल्दी से लगा देना गाइस यहाँ पे कि एससीपी के लिए सौरभ भैया क्या गलत है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे, क्या लगता है गाइस क्या गलत है एससीपी के लिए? ओके, सिंगल सेल जो प्रोटीन है ना, यहाँ पे नाम मिसनोमर है, इसका नाम मिसनोमर है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ये प्रोड्यूस होता है। ओके सो ये सी वाला ये गलत है, एनसीईआरटी में दिया है, सो प्लीज पढ़िए आराम से इसको। क्वेश्चन नंबर 29। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज ए डैश, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, अगेन एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्पीशीज को रख दिया, ओके, वर्टिकली अरेंज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, ये भी एक अच्छा सवाल। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी,
पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो चलो फिर बता दो जल्दी से, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी डैश पिरामिड ऑफ एनर्जी जल्दी से लगा दीजिएगा, कैन बी इन्वर्टेड नो मैन दैट इज ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज अपराइट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज अपराइट का मतलब होता है कैन नेवर बी इन्वर्टेड, राइट? ओके, आप यहाँ से ये लगा सकते थे। लैग हो रहा है क्या थोड़ा? ओके, एनीवेज, सो चलिए इसका आंसर कैन नेवर बी इन्वर्टेड होना चाहिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं गाइज। नाउ नेक्स्ट सवाल, नाउ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया आर कॉल्ड डैश। एंटायर सीक्वेंस, जो बीच में जो चेंज आता है ना, जो ट्रांजिशन वाला फेज, आपको उसके बारे में बताना है। क्या लगता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हे सीरी, राइट? है ना, उसको सारा जो एक साथ जो बीच का जो ट्रांजिशन फेज है उसमें सीरी बोलते हैं उसको। ओके, पाइनियर शुरू वाला होता है, क्लाइमेक्स एंड वाला होता है, राइट? याद रहेगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर सवाल, द वेरिएशन, एनसीईआरटी का लाइन है, रॉल्फिया का जो वेरिएशन होता है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। तीन डाइवर्सिटी आप पढ़े हो, GSE, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल, राइट? इसमें ये वाला जो है ये जेनेटिक है। ओके, क्यों जेनेटिक बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पीसीज के अंदर चेंजेस आ रहा है, रॉल्फिया वोमिटोरिया ही मिलेगा आपको वो वेरी कर करके, ठीक है? सो आई होप सो आपको ये चीज याद रहेगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, चलिए ना नेक्स्ट सवाल करें यहाँ पे। आई होप सो जेनेटिक वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर सवाल, टाइप्स ऑफ सेल दैट कैन रिलीज वाजो डायलेटर केमिकल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। तो बताइएगा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कौन कौन से सेल इसमें रिलीज करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको बताना है। चलिए आइए जल्दी से लगा दीजिए। ओके, बेजोफिल हो जाएगा, यस, वेरी गुड। और मास सेल्स हो जाएगा क्या? क्या क्या पढ़ा था तुमने? यस, हिस्टामिन पढ़ा था, सेरोटोनिन पढ़ा था, याद आ रहा है? ओके, चलिए क्लियर हो गया ये वाला लाइन, आई होप सो क्लियर हो गया हो ये वाला। अब देखो आप बोलोगे लैप इतना हिल क्यों रहा है, लैपटॉप पतला है, नीचे व्हील्स लगे हैं इस डेस्क पे, इसीलिए इतना ज़्यादा शेक हो जा रहा है। एनीवेज, आइए ठीक है, चलो सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है, कल मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था सभी को, याद आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट कल मैंने आप सभी को दिया था? बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, ओके, इज मेड अप ऑफ डैश। बैकबोन के बारे में पूछा ना, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, क्या चीज से बनता है गाइस बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर? बैकबोन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर का? आपको चाहिएगा शुगर एंड फॉस्फेट। सो यस, उस दोनों के बीच ही बॉन्ड बनेगा ना, उन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, दैट इज बेसिकली योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट, सिंपल। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा दिस फेलो, क्लियर? देखो कल मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इसीलिए आप कर पा रहे हो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हैज बिन प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी, याद आ रहा है? ट्रेसी फॉर ट्रीटिंग एम्फाइसीमा। अब मुझे बता दो यहाँ पे ट्रेसी के बारे में क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? आ जाइए, एम्फाइसीमा के लिए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन चाहिए क्या? यस, वेरी गुड, अल्फा वन क्या चाहिए? एंटीट्रिप्सिन चाहिए, रही है ना, अल्फा एंटीट्रिप्सिन चाहिएगा, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा है, क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन एजेड फीमेल। एजेड फीमेल बोला है मतलब डेफिनेटली मेनोपॉज हो गया हमको, क्या हुआ? मेनोपॉज, मेनोपॉज हुआ है, राइट? है ना, मेनोपॉज हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे अगर मेनोपॉज हो गया है तो आपको बताना, मेनोपॉज हुआ तो किसकी कमी होगी? ईस्ट्रोजन की कमी होगी, ईस्ट्रोजन की कमी, यस। सो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन गॉट सम बोन प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, राइट? ओके, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आ रहा है, पढ़ते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, है ना, आर डैश। अब बता दो यहाँ पे इन विट्रो के बारे में, जब आपसे पूछ लिया गया है सो आप आराम से बता सकते हो बॉडी के बाहर। लैग अभी सही हो गया ना, देखो बीच बीच में आई नो दैट लैग हो जा रहा है। आइए, बॉडी के बाहर बोला है, सो यस, ये लिविंग थिंग नहीं होंगे,
ये लिविंग रिएक्शंस होंगे, अगेन एनसीईआरटी ना, लिविंग रिएक्शंस होंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट, सो इसका आंसर आ जाएगा लिविंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय डैश, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय डैश, किसके द्वारा होता है? रिंग वॉर्म इज अ फंगल डिजीज, ऑब्वियसली फंगस के द्वारा। कौन कौन से पढ़े हैं? MET पढ़ा होगा ना, मेट, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39, 39 में बोला है सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एडिबल फ्रेश वाटर फिश, तो ऑड वन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर फिश। ओके, तो चलिए फिर निकालिए ऑड वन, क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे गाइस? ऑड वन निकालना है तो चलो फिर जल्दी से निकाल दो ऑड वन। इसमें एक समुद्री मछली कौन सी है? हाँ 39 में हिलसा, समुद्री मरीन है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां सवाल। इंटेस्टिनल परफोरेशन ओके इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ इन सीवियर केसेस ऑफ डैश। आपने पढ़ा है मैरी मेलोन के बारे में, क्या उन्हीं से आंसर आएगा ये वाला? यस आ जाएगा, कैरियर की टाइफॉइड की याद करिए। याद आ गया, टाइफॉइड मैरी, यस मैरी मेलोन के बारे में। सो एकदम आसानी से आप आंसर कर दिए, राइट? सो टाइफॉइड हो जाएगा, बैक्टीरियल है, कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। याद आ रहा है सैल्मोनेला टाइफी के बारे में? हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए और एक बार आया है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेच्योर डैश एंड डैश विच इंड्यूस, क्या लिखा है यहाँ पे? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट्स सी, सो गाइज व्हाट यू फील इज द आंसर ऑफ चॉइस ओवर है, क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं, लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली मेच्योर, यस फुल्ली मेच्योर फीटस एंड फुल्ली मेच्योर प्लेसेंटा, राइट? यही है ना, तो जल्दी से बता दो गाइज यहाँ पे। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने अगर रील देखा होगा, आज मैंने एक रील ऐसी अपलोड कर दिया था मैंने इंस्टा पे। चलिए ओके कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस इन प्लेसेंटा, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली विल पास आउट इन द यूरिन ऑफ द फीमेल आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर अटेनिंग मेनोपॉज, इसमें से क्या है, कौन सा हार्मोन है जो यूरिन के थ्रू निकलेगा? और इस यस बता दीजिए, FSH विल कम आउट इन यूरिन। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव फीडबैक नहीं रहा, ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, नेगेटिव फीडबैक नहीं रहा, इसके कारण FSH का लेवल बढ़ जाएगा और वो यूरिन में आ जाएगा, राइट? ओके क्वेश्चन नंबर 43 करें या 43? आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टोडर्मल इन नेचर, नॉट एक्टोडर्मल। गाइज आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स तक, यूट्यूब की वीडियोज तो आसानी से शेयर होती हैं, नॉट एक्टोडर्मल इन नेचर। अब आइए, मतलब बाकी सारे एक्टोडर्मल है, ये मेसोडर्मल है, एनसीईआरटी में दिया गया है, लो मैं लिख दे रहा हूँ, दिया गया है ना एनसीईआरटी में, नोटोकॉर्ड के बारे में मेसोडर्मल लिखा है, तो देखो आ गया ना एनसीईआरटी का रिलेशन। सो ये सब तो आपको आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए ना नेक्स्ट सवाल करें क्या? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44 आ रहे हैं यहाँ पे, एक और प्यारा सा सवाल, आइए पढ़ते हैं 44 के बारे में, क्या क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए जल्दी से रीड आउट करना गाइस, मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊँ, क्या दिख रहा नहीं है शायद, अभी दिख रहा है? हाँ ज़्यादा ही नीचे हो गया क्या? ओके चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको ये सवाल भी दिख रहा होगा गाइस अच्छे तरीके से। वुचरेरियासिस या एलिफेंटियासिस भी लिख सकते हो, ओके फाइलेरियासिस भी लिख सकते हो, यस एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हो, फाइलेरियासिस भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या गलत है? अरे भाई साहब, ये तो लिम्फैटिक वेसल को इफेक्ट कर रहा था, यहाँ ब्लड वेसल कैसे आ गया? ये तो लिम्फैटिक वेसल था, ये तो लिम्फैटिक वेसल था, ये ब्लड वेसल यहाँ क्या कर रहा है? सो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग, यस वेरी गुड, देखो कितना सही कर दिया आपने ना इसको आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है, आइए पढ़ते हैं। सेट ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपको ये बताना है, राइट? तो फिर चलिए फिर बता देते हैं जल्दी से, यहाँ पे बोला है प्रोटियोलाइटिक, और कहाँ पे बोला है? पेनक्रियाटिक जूस में। क्या पेप्सिन पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट है? द आंसर इज
द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली नो, राइट, है ना? सो ये आपको याद रहेगा. ओके चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चलिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, दिस इज रॉन्ग. ओके नेक्स्ट सवाल, अमाइलोप्सिन इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ना ये तो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट. ओके चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, याद रखिएगा अमाइलेज बोल रहे हैं तो कार्ब्स के ऊपर काम करता है ना, लाइपेज लिपिड के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया. तो तीन जब गलत हो रहे हैं तो चौथा सही होगा ना, कुछ तो मार गया होगा एग्जाम में, सही चला गया. क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं. ओके सेलेक्ट द एसटीआई कॉज्ड बाय वायरस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा होने वाला, तो चलो फिर लगा दो जल्दी से यहाँ पे, वायरस के द्वारा होने वाला क्या हो जाएगा. चलिए आइए देख लेते हैं गाइस यहाँ पे कौन इसका आंसर करने वाला है, आइए एक बार जल्दी से. ओके होगा ये वाला वायरस के द्वारा, यस, एड्स एचआईवी याद आ रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट. क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 आइए, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या गलत है आपको ये बताना है. चलिए आइए देख लेते हैं गाइस यहाँ पे क्या गलत आ रहा है, आइए पढ़ते हैं. और ये याद रखिएगा एनसीईआरटी का लाइन है, ट्रस्ट मी एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है. इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन आपने पढ़ा है, और डेट्राइटस फूड चेन, टेरेस्ट्रियल में डीएफसी इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी, जीएफसी एक्वाटिक में, और दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ओके नेचर में फूड चेन आइसोलेशन में काम नहीं करता, एक्चुअली नेचर में फूड वेब प्रेजेंट होता है, नॉट द सिंपल फूड चेन, सो ये गलत हो गया सी, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, आ जाओ जल्दी से, क्या सवाल है. इन बैक्टीरिया, एनसीईआरटी का लाइन, कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एक साथ कैसे हो सकता है, बिकॉज इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, राइट. नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, मैं थोड़ा तेजी पकड़ रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब नीट आ रहे हैं यार, अब तो आपको जल्दी जल्दी करना है. हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, इसमें बेचारे हार्ट के सेल्स ही मर जा रहे हैं, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 आ रहा है, हाफ सेंचुरी पे पहुंच रहे हैं. विच प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूजफुल इन डिजॉल्विंग फाइब्रिन ऑफ ब्लड क्लॉट, बेसिकली क्या बोल रहे हैं इसको, क्लॉट बस्टर, है ना, क्लॉट बस्टर के बारे में आपसे पूछा गया, तो फिर लगा दो क्लॉट बस्टर के बारे में, क्या हो जाएगा क्लॉट बस्टर भाई साहब, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, ओके इसको बोलते हैं, राइट. यस आपने एक और चीज पढ़ा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइट. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें रॉन्ग नहीं बोला है, इसमें करेक्ट बोला है, करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्विंग डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. चलिए बता दीजिएगा इस यहाँ पे क्या सही है, PYQ का क्वेश्चन है, सौरभ भैया की क्लासेस में भी कर चुके हो आप ये सवाल, तो चलिए बताइए इसमें क्या चीज सही है, तो बता दीजिए क्या लगता है. इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी लाइट. अब तुम बोलोगे भाई साहब डायरेक्टली आंसर बता दिया, टाइम दिया आपको पढ़ने का, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. जो डीएनए आया पहले आप क्या कर रहे हो, प्रोब वाला कहानी याद आ रहा है, यस, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग होगी जिसमें पकड़ेगा वही वाला, ब्राइट क्या कलर दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज वाला, यस वेरी गुड, तो डी आ गया इसका आंसर, और यूवी लाइट में दिखेगा, विजिबल में नहीं. क्वेश्चन नंबर 52, स्किड इज यूज, ओके इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन जीन कोडिंग फॉर डैश, स्किड के बारे में पूछा है, इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन जीन कोडिंग फॉर डैश, जीन कोडिंग फॉर क्या चीज के लिए, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, याद आ रहा है या भूल गए सब, याद आ रहा है, एडीए, एडिनोसिन डीएमआईनेज की डेफिशिएंसी, कौन बनाता है इसको, लिम्फोसाइट बनाते हैं. चूज ए डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, राइट, अगेन कैंसर, एनसीईआरटी है ना. क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बोला है कौन सा टिश्यू लैटरल रूट फॉर्मेशन में मदद करता है इन मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट में तो कैम्बियम नहीं होता, इनफैक्ट डाइकॉट में भी पेरीसाइकल लैटरल रूट फॉर्मेशन में मदद करता है, तो ये कतई गलती मत कर देना, आंसर इज पेरीसाइकल, सिंपल, ठीक है. क्वेश्चन नंबर आ रहा है 55, चलो मैं ये देखना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन बच्चे इसका आंसर बेटर तरीके से कर सकते हो, करना चाहोगे तो जल्दी से कर दो, तो फास्टर वे में, कि कौन कर सकता है भाई साहब इसका आंसर, आ जाओ मैं भी देखूँ जरा, ठीक है, कि भाई कौन बेटर तरीके से कर सकता है, जल्दी से कर दो ये वाला. ओके अगर आपका आंसर
चलो मैं लगाता हूँ यहाँ मस्ती में। अगर तुम्हारा आंसर सीव ट्यूब है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम नेगेटिव खा जा रहे हो, तुम नेगेटिव खा रहे हो, तब तुम नेगेटिव खा रहे हो। ओके, तब तो तुम नेगेटिव खा गए यहाँ पे। तुम्हारा आंसर ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है ई न्यूक्लिएटेड डेड सेल, सीव ट्यूब इज लिविंग, तो सीव ट्यूब कांट बी द आंसर। आंसर इज वेसेल। ओके, डेड बोला है ना यहाँ पे। ई न्यूक्लिएटेड लिविंग बोलता तब आप आराम से लगाते, मैं बोलता यस चिल आउट होके लगाओ, लेकिन ऐसे करोगे तो दिक्कत है ना। ओके चलो कोई बात नहीं, सीखा होगा। इस सीखने के लिए शेयर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और क्लास ले पाऊँ ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 56। ओके, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड? भैया कितना बार कराओगे, याद हो गया तुम्हें वायरॉइड के बारे में? डिनर जी, डिनर ने किया क्या? यस डिनर ने किया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 57, चलो ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नॉट फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लगता है गाइस क्या होना चाहिए इसका आंसर बता दीजिएगा। लेट्स सी, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किसने आंसर मार्क किया ये वाला। ओके चलिए ये देखते हैं। ओके चलिए ये देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे इसका कौन सही करेगा। नॉट फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लगता है गाइस यहाँ पे? देखो 70S राइबोसोम मिल रहा है, क्रेब साइकिल का एंजाइम मैट्रिक्स में मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंड नहीं मिलता है, सिंगल मिल रहा है लेकिन सिंगल सर्कुलर डीएसए डीएनए पढ़ा था तुमने, है ना? सो ये तो गलत हो गया, राइट? ओके सो ये गलत हो गया आपका, चलो फिर काटो इसे, गलत हो गया तो सिंगल स्ट्रैंड नहीं होगा ना, ये डीएस डीएस ही रहता है। ओके आरएनए मिलता है, सो यस दिस इज रॉन्ग ओवर हेयर, है ना? ओके क्वेश्चन नंबर 58 आता हुआ, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? आपको बताना है गाइज यहाँ पे कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है। गाइज लाइक्स जल्दी जल्दी कर देना, 200 के अराउंड करना है ना अपने को। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, चलो जल्दी से लगा देना यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज इसका आंसर। चलिए लगा दो जल्दी से, व्हाट यू फील? ट्रिपल फ्यूजन अगेन नवास्चियन ग्विगनार्ड वाला एंडोस्पर्म बनेगा। पेरिस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है कोई बताएगा? मैं आपको करवा चुका हूँ, 2n होती है, एंडोस्पर्म की 3n होती है, प्लीज याद रखो। क्वेश्चन नंबर 59, नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा इन द बॉडी? लंबर 5 होते हैं, यस हाँ जी भैया लंबर 5 है, थोरासिक कितने हैं? 12 है, एकदम याद रह गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 60, एंटीबॉडीज विच कैन पास थ्रू प्लेसेंटा? प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी पास हो सकती है? कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, और एलर्जी में कौन सी ज़्यादा बढ़ जा रही है बताना। एलर्जी के लिए IgE है, कोलेस्ट्रम में IgA, और यस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है IgG, तो आंसर आ गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 61, आइए देखते हैं, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, बार्ली सीड को जर्मिनेट करवाना है ना आपको, बार्ली को जर्मिनेट करवाना है, तो जल्दी से बता दो, अल्फा अमाइलेज यूज करोगे? जर्मिनेशन में मदद करेगा? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, तो लगाओ फिर ताले, इंतजार क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 62, 62 देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा तो मैं आपको 11:30 बजे का आज क्लास करेंगे, एनसीईआरटी बेस वाला कुछ तैयार करके रखेंगे आपके लिए, बढ़िया सवाल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 का क्या होगा? यहाँ पे बोला है स्विस चीज, स्विस चीज वही लार्ज बड़े बड़े होल होते हैं उसमें, याद है स्विस चीज? यस हाँ जी भैया, टॉम एंड जेरी वाला चीज। ओके, बाय प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्वेश्चन नंबर 63, फोरब्रेन डज नॉट इंक्लूड, जल्दी से बताओ, अच्छा सवाल है ये वाला, एनसीईआरटी से इंटरलिंक्ड है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, चलो फिर जल्दी से लगा दो, क्या लगता है? फोरब्रेन डज नॉट इंक्लूड, अब याद रखना कॉपोरा क्वाड्रीजेमिना और फोर राउंडेड स्वेलिंग्स कहाँ पे है? मिड ब्रेन पे पढ़ा था तुमने ये तो, राइट? मिड ब्रेन से रिलेटेड पढ़ा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाद्री चार, राइट? सो दिस इज रिलेटेड टू मिड ब्रेन, नॉट फोर ब्रेन। ओके सो यस द आंसर ऑफ चॉइस इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 64, वायरस को हम लिविंग क्यों बोल सकते हैं? भाई वायरस को बोल रहे हैं, भाई ये हमारा बंदा लिविंग है वायरस, वाई वी आर सेइंग वायरस एज लिविंग, व्हाट्स द रीजन वाई वी आर सेइंग वायरस एज लिविंग एनी वन, राइट? तो जल्दी से लगा दो, वायरस कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग बिकॉज दे कैन कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नो दे कैन रिप्रोड्यूस इन द होस्ट सेल्स, बाहर पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं वो, होस्ट सेल के अंदर आके एक का दो, दो का चार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65,
कॉकरोच में एक्सक्रीशन कौन करवाते हैं और क्या होता है एक्सक्रीट? यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, आपने पढ़ा होगा यूरेट, यस पोटेशियम यूरेट के बारे में सुना है। सो मेल्फिजियम टिब्यूल इज द आंसर ऑफ चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, ओपी सवाल है, मॉक टेस्ट में आता है तो बच्चे डर के पढ़ते नहीं है ना। पहला काम बच्चे करते हैं कि इतना बड़ा सवाल देख के आंख बंद करके निकल जाते हैं। तो चलो आ जाओ जल्दी से पढ़ लो पहले ये वाला सवाल। ओके पहले सवाल को पढ़ लो आप, क्या लिखा है यहाँ पे ये सवाल। सो वी आर गेटिंग श्रुति, सिमरन, मृतिका, केपी, अनूप, ओके, अनिशा, ओके, बहुत सारे बच्चे उसे हैं, प्रणब, ओके, अनीता, ओके, वनी, अफजल, ओके, तितली, वी आर गेटिंग, और कौन कौन है यहाँ पे? यस देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाइलिपिड लेयर में प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता, लिपिड कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप, वो भी रेयरली। प्रोटीन कौन सा मूवमेंट दिखा सकता है? प्रोटीन कैन मूव लैटरली, लैटरल मूवमेंट्स, राइट, लैटरल। सो आप ये चीज याद रख लो। तो इसमें क्या लग रहा है? बोथ लिपिड प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं, दोनों ही फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत। प्रोटीन तो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता, लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 67, ओके, इन हायर प्लांट द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर, बेसिकली साइटोप्लाज्म जुड़ रहे हैं एक दूसरे से किसके कारण? कौन सा पाथवे? सिम्प्लास्टिक पाथवे, ऑब्वियसली। एपोप्लास्ट में तो इंटरसेलुलर कैसे रहता है कनेक्शन, बता सकते हैं कोई? एक सेल से दूसरा सेल? नहीं भैया, वो तो सेल वॉल के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो तो एक दूसरे का सेल वॉल जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां से जा रहे हैं ना कोई भी चीज। एपोप्लास्ट में याद आ रहा है, साइटोप्लाज्म तो नहीं जुड़े हैं एपोप्लास्ट में, सिम्प्लास्ट में जुड़े हैं, राइट। सो आंसर सिम्प्लास्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, ग्लिसन्स कैप्सूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? किडनी? नो। लिवर? यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर, वैसे कफर सेल्स उसी से रिलेटेड है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ओके यस, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे हार्ट का पेसमेकर कौन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये राइट एट्रिया में प्रेजेंट है, याद आ गया, ऐसे नोट इज द आंसर ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 71, ये हमने किया है तो आपका रिवीजन भी हो रहा है ना, आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। तो चलो फिर ये बता दो आप, क्या लगता है गाइस, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से लगाना गाइस। यस, वेरी गुड, ये वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 71, इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी बाउमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है क्या ये? हाँ जी, क्या पढ़ा है? पोडोसाइट पढ़ा है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्या चीज़ एनाटॉमिकली करेक्ट है? नेक्स्ट क्लास हम लोग रात को 11:30 बजे रखते हैं, ठीक है? अभी और क्वेश्चन है, डोंट वरी, इसका बताइएगा। क्या लगता है? कॉलर बोन वन पेयर होता है, क्लाविकल के बारे में बात की जा रही है ना। सैलिवरी ग्लैंड्स अगेन थ्री पेयर्स होते हैं, सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। क्रेनियल नर्व 12 पेयर पढ़े हैं तुमने। फ्लोटिंग रिब 2 पेयर, 11th और 12th वाला, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 73 आ रहा है, एनसीईआरटी का लाइन, थिक फिलामेंट, मायोसिन का मोनोमर कौन है? मेरोमायोसिन्स है। ओके क्वेश्चन नंबर 74, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, हम लोग किस लिए एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, क्या स्टडी करते हैं अंदर जो सेल होते हैं उसमें ना? ओके उनकी स्टडी कर रहे हैं कि भाई फीटस में बेसिकली कोई हेरिडिटरी डिजीज या एनोमली तो नहीं आ जा रहा है, जेनेटिक वाला, अगेन बोल रहा हूँ, हेरिडिटरी बात कर रहा हूँ, कंजेनिटल वाला नहीं कि भाई डेवलपमेंटल जो कुछ भी हो गया उसको, जैसे एग्जाम्पल क्लेफ्ट पैलेट को तो नहीं कर पाएंगे एमनियोसेंटेसिस से। क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइज यहाँ पे क्या गलत है आपको बताना है, आइए देखते हैं क्या गलत है। सो लेट्स सी गाइज यहाँ पे क्या गलत होगा, जल्दी से लगा देना। ओके सो यहाँ पे क्या गलत आ रहा है आपके लिए? ओके लगा दो यहाँ पे गाइज, विच यू फील इज रॉन्ग यहाँ पे बेसिकली। इनकरेक्ट क्या है? इंसिनरेटर, हॉस्पिटल वेस्ट, एनसीईआरटी, मॉन्ट्रियल रिलेटेड टू ओडीएस, मीथेन, CO2, ग्रीन हाउस गैस, डॉब्सन यूनिट फॉर ऑक्सीजन, ओके, या ओजोन, क्या चीज़ के लिए था ये बता दीजिए जल्दी से यहाँ पे। यस आंसर इज सी, क्या हो जाएगा? डॉब्सन यूनिट, ओजोन का थिकनेस का था। हाँ जी, ओजोन का थिकनेस का था ये तो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 76, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड, टॉक्सिक का जो लेवल है टॉक्सिक सब्सटेंस का, हर एक पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे।
क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन। इसमें एड्रिनलिन का क्या काम है आपको बताना है। एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन के बारे में सुना है आपने? यस, सिंपैथेटिक एक्टिवेटर है, सिंपैथेटिक एक्टिवेटर। सो बता दो जल्दी से, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन का काम क्या है? हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं और बीपी को इंक्रीज कर रहा है। यस, वेरी गुड, सही लगा दिया। कहाँ से निकल रहा है? एड्रिनल मेडला से। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, हेटरोलोगस होस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, उसके लिए हेटरोलोगस होस्ट क्या चीज को यूज करोगे? आंसर ऑफ चॉइसेस, इस्केरेशिया कोलाई। ध्यान से सुनना, चेन ए को आप अलग ई कोलाई में बना रहे हो, चेन बी को आइसोलेट किया दोनों से, अब दोनों को ज्वाइन किया। द ज्वाइनिंग ऑफ चेन ए एंड बी इज द डिफिकल्ट प्रोसेस, राइट, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, अच्छा सवाल है ये 79 वाला भी, आ जाओ जल्दी से पढ़ो। तो गाइज यहाँ पे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, चलो जल्दी से रीड आउट कर लो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79। ओके लेट्स, यहाँ पे सभी ने बताया, अनूप बता रहे हैं, यस वेरी गुड, के पी लगा दो, अश्मिता ओके, प्रणव चलिए। तो यहाँ पे जो है ना, क्यों बोला जाता है कि लीड फ्री पेट्रोल यूज करने, लीड जो है कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है, दैट इज वाई यूज लीड फ्री पेट्रोल, राइट। क्वेश्चन नंबर 80th, आइए पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो गाइज इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है आपको बताना है, चलिए आइए लगा दीजिए गाइज यहाँ पे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। ओके, इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? ओके लेट्स सी, यहाँ पे जल्दी से लगा दीजिएगा यहाँ पे, लेट्स सी ना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ओजोन और पैन के बारे में पढ़ा है तुमने, यही दो पढ़े हैं ना, लगा दो फिर, इंतजार किसका, बी एंड सी लगा देना। क्वेश्चन नंबर 81, रॉबर्ट मे के अनुसार ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन लगा दीजिए फिर, 7 मिलियन। ओके, इतना तो डिस्कवर नहीं हुआ ना अभी तक, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, Nearly dash percent of all insect are phytophagous. कितना प्रतिशत है गाइस? इंसेक्ट में कितना प्रतिशत phytophagous है? Nearly 25% लगा दीजिए, पूरा पूरी एनसीईआरटी चल रहा है, इसके बाद भी अगर आप शेयर कर पाओगे तो ही हम एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस, आपके तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक चाहिए हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला, है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने वाला, और हाइपोग्लाइसेमिक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, बीजीएल को कम कर रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता कौन है? एड्रेनलिन कर सकता है, हाँ कर सकता है, इंसुलिन तो नहीं कर सकता, ग्लूकागॉन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकागॉन कम तो नहीं कर सकता ना, सो ये आंसर नहीं होगा। फिर ये हो सकता है, यस यही होगा आंसर, 4 इज द आंसर ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 84, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद हाउ मेनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है गाइस इकोलॉजी, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पे मेरे को। ओके लेट्स सी, ओके चलिए, इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ओपीसीबी, ओपीसीबी याद रहेगा, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी बायोम, यही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 85, एनसीईआरटी, द सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ओके यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज डैश इन इनलैंड वाटर, समुद्री पानी के लिए आपने तीन, ये कितना पढ़ा था, 30 से 35 पढ़ा था, हाँ जी, और तो फिर यहाँ पे इनलैंड वाटर के लिए लेस देन 5 लगा दीजिए एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू ड्रिंक्स विथ हाई एल्कोहल कंसेंट्रेशन। ऑड वन बोला मतलब सारे के सारे ज्यादा एल्कोहल कंसेंट्रेशन वाले ड्रिंक है, बट वन फेलो इज विथ लो एल्कोहल कंसेंट्रेशन, तो फिर लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा गाइस, विथ लो एल्कोहल कंसेंट्रेशन, व्हाट यू फील, यस वाइन एंड बियर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, राइट, ओके बहुत सही बता दिया ना, क्लियर है, यहाँ पे आंसर इज यस डेफिनेटली वाइन। क्वेश्चन नंबर 87, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, एलिमिनेशन इज द की, ठीक है यहाँ पे एलिमिनेशन, ओके एलिमिनेट करना है आपको, राइट, अब चलो फिर एलिमिनेट कर दो जल्दी से, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कौन एलिमिनेट कर सकता है फास्टर वे में। सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा 60% नहीं 30% एनसीईआरटी का लाइन। ऑक्सेंटिक सेल से पेप्सिनोजन नहीं बनता है,
ये किससे बनता है? पेप्टिक या फिर चीफ सेल से बनता था। ऑक्सेंटिक क्या करेगा? HCL और कार्सल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएगा। सो ये भी गलत। काइलोमाइक्रोन को आप ब्लड कैपिलरी में नहीं डालोगे, लैक्टियल्स में डालते हो, है ना? सो ये भी गलत। बचा क्या? ये वाला सही हो गया। एलिमिनेट करो ना। कौन बोल रहा है आपको कि यहाँ पे बैठ के सारे को सोचोगे? अरे एलिमिनेट करके आंसर आ गया, लगा दो वो वाला खुश। चलिए 87 का समझ आया कैसे एलिमिनेशन हुआ। ओके क्वेश्चन नंबर 88। सिंपल सिंपल पढ़ा, डायग्राम देखा, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कौन लेके आता है? लाइज जो एंजाइम है वो डबल बॉन्ड लेके आता है। लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या होगा? बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रहेगा, AR है। सिकल सेल एनीमिया याद रहेगा, AR है। फिनाइल कीटोनूरिया याद रहेगा, AR है। कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आंसर इज नंबर 4। देखो कितना जल्दी निकाल रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 90। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, NCERT में सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक, लगा दीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 91। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? मेगास्पोरांजियम हो जाता है, राइट? तो पढ़ा है ना आपने ये वाला लाइन? नहीं पढ़ा तो अभी बता दिया मैंने। मेगास्पोरांजियम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई। क्वेश्चन नंबर 92। एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, मोर देन 16 ब्लास्टोमियर है, फेलोपियन ट्यूब में क्यों भेजोगे अब आप उसको? मोर देन 16 है ना, यूट्रस में भेजोगे, इम्प्लांटेशन करवाना है ना, यूट्रस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। नीट 2016 का रिपीटेड सवाल है वैसे तो ये, है ना? नीट 2016 का सवाल है, चलो फिर जल्दी से लगा दो यहाँ पे। नीट 2016 का क्या होना चाहिए गाइज इसका आंसर? आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या लगाओगे। यस, मैकरेल के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, राइट? क्वेश्चन नंबर 94 आ रहा है, आइए देखते हैं। हिमगिरी डेवलप्ड बाई, हिमगिरी डैश, बस इतना लंबा कौन पढ़ेगा? हिमगिरी वीट सबको पता है, लगा दीजिए, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 95। NCERT में लिखा गया अमाइड में N/C रेशियो इज मोर देन इन कंपैरिजन टू अमाइनो एसिड, तो नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होगा अमाइड्स में, मोर देन अमाइनो एसिड, राइट? क्या क्या पढ़ा है? एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, सुना है? अभी बता दिया, सुन लिया तो। क्वेश्चन नंबर 96। एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा वैम VAM, वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा ग्लोमस है ये एग्जाम्पल। चलिए 97। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, विच इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन, क्या होना चाहिए आंसर? सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स, यस, आंसर क्या हो जाएगा? मैसोसोम, लगा दो। क्वेश्चन नंबर 98। मोर देन 95% के अराउंड यही है ना ट्रांसजेनिक एनिमल, कौन? माइस। ओके नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड इट, मोस्टली न्यूक्लियस। बेसिकली बोला जा रहा है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर किसका है? इंट्रा सेलुलर, सिंपल भाषा में इंट्रा सेलुलर। अब लगा सकते हो आप इंट्रा सेलुलर, अब लग जाएगा ना इंट्रा सेलुलर वाला। रात 11:30 बजे हम मिल रहे हैं ना सब, क्या बोलते हो? मिल रहे हैं ना रात 11:30 बजे? टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि मैं रात 11:30 बजे वाली ओपी क्वेश्चंस की क्लास होगी, मिस करने का ही नहीं। उसमें NCERT रेफरेंस चलेंगे, मतलब लिटरली NCERT के लाइंस का क्वेश्चन, उसी में मॉडिफाई होके 11:30 कर रहा हूँ। तो इंट्रा सेलुलर बोलती क्या करोगे आंसर? भैया प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन को एलिमिनेट करूंगा, पहला काम ये करूंगा, कि वो लोग का तो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके थायरोक्सिन का इंट्रा सेलुलर होता है, मैं मान लिया, चलो ठीक है। इंसुलिन को एलिमिनेट कर दिया। अगेन दीज टू फेलोज, भाई बोलते तुम बाहर ही रहो, तुम बाहर ही रहो, राइट? ओके ठीक है, और क्या बचा? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल, आंसर इज नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन गाइस, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200+ लाइक्स 100 क्वेश्चन करा के? तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक्स पे लाइक्स ठोकिए, कमेंट जरूर करिए, मैं जरूर ट्राई करता हूँ हार्ट देने का कमेंट पे, तो जरूर से कमेंट करिएगा गाइस। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप MBBS में भी आपकी हेल्प होने वाली है इस चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर,
बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी में बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को सेट करके रखना पड़ेगा ना कि इतना ही टेम्परेचर रहेगा। कौन कर रहा है ये काम? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मोटिक सेंटर भी है, सेटाइटी का भी सेंटर है, याद रख लेना। हाइपोथैलेमस इज द आंसर ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 101, एनसीईआरटी का पूरा पूरी लाइन। भाई जल्दी से लगा दो एनसीईआरटी के लाइन को, इसको भी। ओके, क्या लगता है भाई, क्या सवाल दिया आपको यहाँ पे? एनसीईआरटी में लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 से 80% फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय विच पार्ट? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एनसीईआरटी दिया गया, लगा लीजिए फिर आंसर आ गया। सो यस, बढ़िया किया होगा, आई होप सो। आपने भी बढ़िया स्कोर किया होगा। कितना आया आपका स्कोर जरूर कमेंट करिए कि भाई अच्छा प्रैक्टिस हुआ है नहीं। प्रैक्टिस हुआ तो रात 11:30 बजे मिलते हैं। कल मैंने एक ऐसा सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग चेकआउट करिए। एमबीबीएस स्टूडेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, उसमें जाके सिर्फ क्या करना है, अभी तो आपकी ज़रूरत नहीं है, लाइक करना है, वीडियो को सेव करके रख लेना है, कभी ज़रूर काम आएगा ना। आएगा ही ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो हाँ आएगा। तो आएगा तो उसको जल्दी से जाके लाइक कर दो, ठीक है? ये काम आपका है, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यस आपको काम आने वाला है कुछ ही महीनों में। सो जाके एमबीबीएस स्टूडेंट वाली वीडियो पे जल्दी से लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेली पे मैं लिंक्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे लिंक्स आ जाएगी आज रात की क्लास की भी। मिलते हैं रात की क्लास में, बाय बाय, सी या।